वेलकम बैक टू देसी टू विदेसी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो ही बनाया जाए, जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है, जितना मुझे आइडिया है अभी तक। तो आज का वीडियो है इसी के ऊपर एंड साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ एक डेटा भी शेयर करूंगी जो आईटी एंड नॉन आईटी बोथ फील्ड का सैलरी स्ट्रक्चर दिखाता है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। यहाँ पे जो बोथ मेन एंड वुमेन दोनों काम करते हैं उन लोगों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है सैलरी में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम जॉब एंड सैलरीज के तरफ जाएं, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वीडन इज द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। मिनिमम 30% से लेके अप टू 50% तक आपको टैक्स देना पड़ता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपके इनकम के ऊपर, आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कितना आप इनकम कर रहे हो उसी के ऊपर ही आपका टैक्स आप लोगों को देना पड़ता है। जो टैक्स के बारे में वो हम लोग किसी और दिन किसी और वीडियोस में बात करेंगे, अभी हम लोग आ जाते हैं जॉब्स एंड सैलरीज पे। तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ मेरे हिसाब से दो कैटेगरी में, एक हो गया आईटी, एक हो गया नॉन आईटी। तो आईटी फील्ड में ये फंडा है कि यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो आईटी में जॉब करने के लिए, तो जो मैंडेटरी फील्ड रहता है कि आपको लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं मिलेगा, मतलब इतना मैंडेटरी आपको नहीं मिलेगी, आपको स्वीडिश लैंग्वेज जानना चाहिए, क्योंकि आईटी फील्ड में थोड़ा सा ये आप बोल सकते हैं आपको बेनिफिट मिलता है कि विदाउट स्वीडिश लैंग्वेज आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ, जब मैं लिंक्डइन में जाती हूँ या तो किसी और जॉब पोर्टल में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ एक कंपनीज स्वीडिश लैंग्वेज भी ढूंढ रहे हैं। तो ये आपके कम्प्लीटली आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे स्वीडिश रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर आप लोगों को स्वीडिश पता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मतलब सोच लीजिए कि वो एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम सिचुएशंस में ये होता है कि आईटी फील्ड में जो है लैंग्वेज का इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है, लैंग्वेज इतना वो मैंडेटरी नहीं रखते हैं। लेकिन आजकल एक दो केसेस में मैंने ऐसा देखा हुआ है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड दूसरा चीज ये है कि अगर आप लोगों के पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, तो अराउंड आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 45,000 तक हो सकता है या 50,000 तक हो सकता है। लेकिन आपको जो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा वो 35% या 40% तक जा सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन वही 30% to 40% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसका बेनिफिट भी बहुत मिलता है आपको हर चीज में, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारा बेनिफिट्स होता है जिसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो ये एक हो गया कि आपको एक ह्यूज टैक्स यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा चीज ये हो गया कि अगर आप लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हो, नॉर्मली हम लोग का इंडिया में रहता है कि आपको, आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपका सैलरी उसी हिसाब से इंक्रीज करता है, या तो इंडिया में जैसे आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो तो मिनिमम आपको 20-30% हाइक मिल ही जाता है जो आप नए कंपनी में ज्वाइन करते हो। यहाँ पे लेकिन ये वाला फंडा नहीं है, आप चाहे जितने भी कंपनी में चेंज करो, कुछ ऐसा मतलब ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए अपने सैलरी में जो इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आ जाते हैं नॉन आईटी फील्ड्स में, जैसे कि यहाँ का गवर्नमेंट आपको फ्री अपॉर्चुनिटी देता है स्वीडिश लैंग्वेज सीखने के लिए। तो अगर आप लोगों को स्वीडिश लैंग्वेज पता है तो आपके लिए स्वीडन का एक बहुत बड़ा जॉब मार्केट ओपन हो जाता है। तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर सकते हो, फुल टाइम जॉब कर सकते हो, आर्ली बेसिस पे भी जॉब कर सकते हो, और किसी भी टाइप का जॉब आप कर सकते हो। कि यहाँ पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में हो गया या शॉपिंग मॉल्स में हो गया, बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स रहते हैं कि जो आप 2-3 घंटे स्पेंड करके एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अर्ली वेजेस जो होते हैं वो होता है 180 स्वीडिश क्रोना, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आप 1 घंटा काम करके 2 घंटा काम करके 180 क्रोना कमा रहे हो तो कुछ भी बुरा नहीं है, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हो, और जो भी आप थोड़े टाइम के लिए काम करते हो उसका आपको पैसे भी मिलते हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको रिक्वायरमेंट जो रहता है मेन वो रहता है लैंग्वेज। तो अगर आप लोगों को लैंग्वेज पता है तो आप इजीली यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी टाइप के जॉब में लग सकते हो। और एक चीज़ भी है, अगर आप लोग ये आर्ली बेसिस वाला जॉब नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे भी है, जैसे कि आपको टीचिंग लाइन में जॉब मिल सकता है, आपको डे केयर में जॉब मिल सकता है, आपको हेल्थ केयर में जॉब मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको
स्वीडिश जानना पड़ेगा और इनका जो वर्क कल्चर है उसमें फिट बैठना पड़ेगा, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सैलरीज ऑन पोजीशन इन स्वीडन, तो यहाँ पे दिया हुआ है किस पोजीशन में आपको कितना सैलरी मिल सकता है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, यहाँ पे पूरा वो डेटा मेंशन किया गया है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे जनरल लेबर को मिनिमम से लेके मैक्सिमम तो 24,000 SEK तक सैलरी मिल सकता है, और उसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको 48 तक जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सैलरीज इन द कैटेगरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम नीचे आते हैं तो 30,000 SEK से स्टार्ट होकर 70,000 SEK तक जा सकता है सैलरी IT सेक्टर में। और यहाँ पे .NET प्रोग्रामर, ABAP प्रोग्रामर और C प्रोग्रामर सबका सैलरी दिया हुआ है जो मिनिमम स्टार्टिंग रेंज से मैक्सिमम तक जाता है बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। और नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं IT टेस्ट, जो 27 से लेके 53 तक उन लोगों को मिल जाता है। तो ये सारा डेटा आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि कितना कितनों को सैलरी मिलता है, तो आप उसी हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं कि आपको कितना मिलेगा आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो और कुछ देखते हैं हम लोग और किसको क्या मिलता है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो जैसे कि ये हो गया मेडिकल एंड सोशल केयर, और यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी दिखा रहा है जो 15 से लेके 45,000 SEK तक जा सकता है, और इसमें एम्बुलेंस ड्राइवर नर्स सभी का सैलरी दिया हुआ है, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। और जैसे कि एक डेंटिस्ट को यहाँ पे 65 तक मिल जाता है, एक डॉक्टर को 66, और अगर इसके अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाता है जो एक डॉक्टर्स का होता है। तो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्या है कैसा है, तो आप यहाँ पे इस साइट पे जाके भी देख सकते हैं। मैंने ऐसे ही गूगल करते करते मुझे ये वाला साइट मिल गया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अब अगर हम एक जनरल लेबर का सैलरी यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ये आ गया जनरल लेबर का सेक्शन, तो उनको भी एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे मिलता है, देखिए 18,000 से लेके 31,000 SEK तक, तो ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है। जैसे इसमें क्लीनर हो गए, जनरल लेबर हो गए, तो जो सैलरी आप देख सकते हैं वो अच्छा खासा है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज मंथली सैलरी बाय ऑक्यूपेशन, जिसमें लिखा हुआ है मेन एंड वोमेन रेशियो नंबर्स, कितने जॉब करते हैं, और यहाँ पे लोअर मीडियन एंड अपर लिखा हुआ है, एवरेज मंथली सैलरी लिखा हुआ है। तो जैसे हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखिए वोमेन मेन रेशियो लिखा हुआ है, जो एवरेज सैलरी आप लोगों को दिख रहा होगा उसमें कुछ ज़्यादा अंतर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे आप बोल सकते हो जो मेन एंड वोमेन दोनों जॉब करते हैं उन दोनों के बीच में। जैसे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में देख लीजिए जो रेशियो दिखा रहा है वुमेन एंड मेन वो 1200 और 1600 दिखा रहा है, और जो लोएस्ट सैलरी दिखा रहा है वो 34 और 35, मीडियम भी वैसा ही है, मैक्सिमम भी आप देख ही सकते हो, तो एक एवरेज निकाला जाए तो 39 और 40 है, तो ऐसा कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एवरेज मंथली सैलरी बाय एज, तो जो
दोनों कलर दिया हुआ है, वुमेन एंड मेन, नीचे एज लिखा हुआ है और उस हिसाब से आपका सैलरी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाय एज सैलरी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है बोथ मेन एंड वुमेन में। तो ऐसा ही जो भी मुझे डेटा मिला मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही था, जितना मुझे पता था यहाँ पे आईटी एंड नॉन आईटी जॉब्स एंड सैलरी स्ट्रक्चर जितना मैंने सारा कलेक्ट किया था डेटा सब आपके साथ शेयर कर लिया है। और हो सकता है मुझसे बहुत सारा चीज छूट भी गया होगा, तो आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है उसके बारे में और टैक्स बेनिफिट्स है उसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, और एक चीज, अगर आप लोगों को कुछ भी मुझे पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आपको मेरा मेल आईडी नीचे मिल जाएगा। एंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लविंग देसी टू विदेशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।